रोपड़ तो खबर जिथे पीएससीबी इंपलॉयज यूनियन पंजाब का प्रदर्शन देखने मिले। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनियन ने महाराजा रणजीत सिंह बाग दे विच प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव तो पहला सरकार ने अपने जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए, इन्हों का इल्जाम है। पुरानी पेंशन स्कीम जल्द तो जल्द बहाल किए जाने की मंग इन्हों वालों की जा रही है। ये भी दस दिए कि विधायक एडवोकेट दिनेश चड्डा ने प्रदर्शनकारियों को हुण फिलहाल भरोसा दिता जिहड़ा कि पंजाब दे अज समुचे मुलाजमान 2.72 का फैक्टर तनखाह फिक्स करन दा साडा राइट बनदा सीगा, पर सरकार ने वह फैक्टर लागू करन दी थां 2.69 दिता अते पेंशनरां नूं जिहड़ा हैगा वो 2 पॉइंट जोड़ा है 45 तो भी घट दिता, जोड़ा कि अजे पिछले 5 पे कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल गलत है। मुलाजमान का पे कमीशन, मुलाजमान का डीए, वो कहते असी पहली कैबिनेट के विच फैसला करके किसी को धरना नहीं मारन देना। इतों तक कहा कि असी जो नौजवान विदेशों जा रहा है, विदेशों जवान नहीं देना, विदेशों के लोग इतने आके जोड़ा है नौकरी करे। पर दुख की गल है कि 7 महीने का समा भगवंत मान की सरकार बीत गया, उन्होंने कोई एक भी काम ना मुलाजमान के पक्ष में किया। जो मेरा फर्ज है, जो मेरी जिम्मेवारी है, उन्होंने एक एक मंग की जी पैरवाई है सरकार के कोल करनी, वो मेरा ये दोवें जथेबंदियों की जी मंगा इन्हों की पैरवाई जी सरकार के कोल पुरजोर तरीके करूँ।